मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ़ झरने में बुधवार शाम अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे सभी 45 लोगों को 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया है। 5 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया, जबकि बाकी 40 लोग रस्सी से बाहर निकाले गए। हालांकि झरने के तेज बहाव के चलते 12 लोगों के बहने की खबर है। 40 लोग थे जो टापू में नजर आ रहे हैं, पूरे 40 निकाल लिए गए हैं और 5 लोग पहले से एयरलिफ्ट करके उनको हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया था। इस तरह से 45 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, सभी सेफ निकल गए। कितने लोग आए थे? हम आए थे 10 लोग और अन्य लोग बता रहे हैं 40-50 लोग थे। अलग लोग थे। अच्छा, तो मैं बहते कितने लोगों को देखा जो पानी में बह गए? वो बच्चे नहीं निकल पाए, उसमें क्या बच्चे भी थे क्या, महिलाएं थी? रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने पर मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमें नहीं पता कि कितने लोग बह गए हैं। कितने बह गए अभी तक किसी को काउंट नहीं है। मुझे कहा गया था कि एक शिवपुरी में रेफर हुआ, मैंने शिवपुरी फोन किया था पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो शिवपुरी से अब वापस ग्वालियर रेफर हो गया है। तो हमें पता है कि एक तो वहाँ है बचा हुआ, दूसरा वाला हम अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए। बुधवार को 15 अगस्त के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आए थे।